सांसद अनुराग ठाकुर जिला ऊना के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां बीजेपी जिला कार्यालय दीप कमल में कार्यकर्ताओं ने सांसद का स्वागत किया। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने कार्यकर्ताओं के साथ लंबी बैठक की। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि बीजेपी हिमाचल प्रदेश में इस बार 12 लाख से भी ज्यादा मेंबर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किए हुए है और इसे जल्द ही पूरा भी कर लिया जाएगा। पिछली बार 2019 में हमने 8,54,970 सदस्य बनाए थे, इस बार 16 लाख सदस्य बनाने का हमने टारगेट रखा है, लक्ष्य रखा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो हमें लोकसभा में जितना वोट मिला, हम लोग एक प्रयास ये भी करेंगे उसका कम से कम 75% हमारे सदस्य बने और हम इसको एक नया रिकॉर्ड हिमाचल प्रदेश में सदस्यता का करें। वही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा 2 दिन बाद इस्तीफा दिए जाने की घोषणा को लेकर अनुराग ठाकुर ने उन पर जमकर प्रहार किया। कहा कि अरविंद केजरीवाल में नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है। सुनिए। कोर्ट की टिप्पणियों के बाद भी, यहाँ तक कि वो केजरीवाल जी न सचिवालय जा सकते हैं, न मुख्यमंत्री कार्यालय जा सकते हैं, न कोई फाइल साइन कर सकते हैं। अभी बड़ा निर्णय तो मुख्यमंत्री थे किस नाम के, दिल्ली की जनता को ठगने और लूटने का काम इन्होंने किया। शराब घोटाले में जेल भुगतने के बाद उत्साह तो ऐसा दिखा रहे थे और ऐसा जश्न मना रहे थे जैसा ना जाने कोई युद्ध जीत कर आए हो। वो बेदाग नहीं हुए, दोष मुक्त नहीं हुए, अभी भी उनके ऊपर मुकदमा चलेगा। और जो शराब के किंग पिन केजरीवाल जी हैं, आज नहीं तो कल वापिस जेल जाना ही पड़ेगा। वहीं राहुल गांधी के विदेश दौरे पर भारत के खिलाफ की गई टिप्पणियों को लेकर भी सांसद अनुराग ठाकुर ने उन पर जबरदस्त हमला बोला। राहुल गांधी जी का हर विदेश दौरा भारत को अपमानित करने के लिए होता है, भारत की बढ़ती हुई छवि को और गिराने के लिए होता है और झूठ एक के बाद और नया बोलने का होता है। हमें लगा था कि शायद अब नेता प्रतिपक्ष बन गए, कांग्रेस 44 सीटें जीती, फिर 52, अब 98 सीटें जीती, 100 सीटें फिर भी नहीं जीत पाई, सत्ता में नहीं आ पाई। इसका मलाल और इसका गुस्सा उनको इतना है कि उन्होंने ठान लिया है कि भारत को बदनाम करना है। वो राजनीतिक विरोध करते करते राष्ट्र विरोध करने लगे, वो व्यक्ति का विरोध करते करते अब देश का विरोध करने लगे। बता दे, ऊना के दौरे के दौरान अनुराग ठाकुर ने कार्यकर्ताओं के साथ लंबी बैठक की और उनसे विचार विमर्श किया। ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट।